विश्व कप 2019 के शुरू होने में बस अब चंद महीनों का समय रह गया है। ऐसे में सभी टीमें अपने बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों को टीम के साथ जोड़ने में लगी हुई हैं। वहीं कई खिलाड़ी टीम में अपनी जगह पक्की करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 23 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2019 से उम्मीदें हैं कई खिलाड़ियों को। अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी अगर अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं तो वो भारतीय टीम की विश्व कप टीम में जगह बना सकते हैं। वैसे भी भारतीय टीम अभी मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझ रही है। अब तक भारत को नंबर 4 और नंबर 6 का विकल्प नहीं मिला है। ऐसे में युवराज सिंह के लिए सबसे ज्यादा चांसेस बन सकते हैं अगर वो बेहतर प्रदर्शन करें। युवराज सिंह ने बीते दिनों ये इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अपने करियर को एक अच्छे नोट पर एंड करना चाहते हैं। ऐसे में वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि इस बार युवराज मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे और अगर मुंबई इंडियंस के लिए युवराज का बल्ला गरजा तो विश्व कप की टीम में जगह बनाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। बस युवराज सिंह को शुरुआती 6 मैचेस में रन बनाने होंगे क्योंकि हो सकता है कि आईपीएल के पहले हाफ के बाद वर्ल्ड कप की टीम भी डिसाइड कर ली जाए। यानी कि युवराज के पास अब 6 से 7 मैचों का मौका है और वहां पर उनको अगर अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखा देते हैं वो तो वो विश्व कप की टीम में जगह बना सकते हैं। वैसे भी नंबर 4 और नंबर 6 के विकल्प के लिए युवराज से बेहतर और कोई खिलाड़ी फिलहाल टीम में दिख नहीं रहा। अंबती रायडू जैसे खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या युवराज को टीम में जगह मिलती है। वैसे भी कप्तान विराट कोहली भी ये कह चुके हैं कि टीम में एक स्लॉट की जगह खाली है और अगर जो आईपीएल में बेहतर कोई प्रदर्शन करता है तो हम उनको टीम में शामिल करेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।